इन्हें अजीत नांदल भारतीय राष्ट्रीय हाकी टीम के सबका कौमी खिडारी अजीत नांदल इस समय रोहतक के पिंड बोहर विच रह रहे ने। अजीत ने छोटी उम्र विच ही पैसा और सफलता दोवां नूं हासिल कर लिया। ये सब हासिल करन तों बाद शायद एक नौजवान आरामदायक जिंदगी चाहता होवे, अपनी बाकी दी जिंदगी एक नाइट क्लब अते मौज मस्ती विच जीना चाहेगा जां फिर दुनिया भर की सैर करनी चाहेगा। पर अजीत नांदल इस तों वख ने। खेडां नूं अलविदा आखन तों बाद अजीत नांदल बाई धीआं दे प्यो बन गए। नहीं, जो तुसीं सोच रहे हो अजिहा कुछ नहीं है। अजीत नांदल ने बाई धीआं दे पालन पोषण लई उन्हां नूं गोद लिया है। बचपन से ही एक मेरा मोटो था कि कुछ मैं ऐसा करूं कि जो लोगों से और जो लोग हैं उनसे कुछ हटके हो। सच अजीत नांदल जो काम कर रहे ने वो बहुत हटके ते प्रेरणादायक है। पर अजीत नूं इस काम नूं करन दी प्रेरणा कित्थों मिली? खुद अजीत दसदे ने कि जदों वो घर वापस आए तो उस वेले तो ही उन्हां नूं कुछ चंगा करन दी इच्छा सी, पर की करन ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ ਨਾਂਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇ ਛੋੜਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। बोले इनके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो आप करो। तो मैं मेरे गांव के स्कूल में गया जहां आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां पढ़ने आती हैं, काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो वहां से मैंने प्रिंसिपल मैम से उनसे टीचर से बात की कि मुझे कम से कम 21-22 वो लड़कियां मुझे अडॉप्ट करनी है, जो लड़कियां जिनके फैमिली में किसी की माँ नहीं है, किसी के फादर नहीं है, या जो घर की कंडीशन है वो बहुत पुअर है, जिससे वो 10th के बाद या प्लस 2 के बाद शादी करना चाहते हैं या उनके जो ड्रीम है वो पूरे नहीं हो रहे। तो प्रिंसिपल ने और पूरे स्टाफ ने मेरे को 22 लड़कियां उनमें से चूज़ करके दी पूरे स्कूल से। ये अलग अलग गांव की मेरी बेटियां, और मैंने 2017 में मैंने ये बेटियां अडॉप्ट की। अजीत नांदल का आखना है कि उन्हां दी एक खुद दी धी है, इसलिए वह हुण 23 धियां दे पिता ने। धियां नूं चंगे मुकाम तक पहुँचाने लई सख्त मेहनत कर रहे ने। सारियां कुड़ियां घोड़सवारी करतियां ने, पढ़ाई कर रही ने। उन्होंने एक टीचा मिथ्या कि वह इन सारिया धियां सफलता दे सिखर ते पहुँचा के ही दम लैणगे। उत्थे गोद लईयां होईयां इन्हां कुड़ियां विच भी काफ़ी उत्साह है। इन्हां धियां दा आखना है कि उन्हां कदे सुपने च भी नहीं सोचा सी कि वह कदे घोड़सवारी करनगियां, पोलो खेडणगियां, जिम जाणगियां ते चंगे कपड़े पाउणगियां। अजीत भैया ने मुझे गोद ले रखा है, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अपनी बेटी की तरह रखूंगा, और जो इसके खाने कपड़े खाना पीना और एजुकेशन स्पोर्ट्स आदि के खर्चे उठाऊंगा। उत्थे ही 12वीं जमात च पढ़ने वाली सोनिया पुलिस मुलाजम बनना चाहती है, पर परिवार की हालत इन्नी खराब सी उन्होंने अजिहा लग रहा सी कि वह 12वीं की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। पर हुण सोनिया नूं अपने भविष्य की सफलता का पूर्ण विश्वास है। मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं आगे 12th के बाद पढ़ नहीं पाऊँगी। तो अजीत भैया बोल रहे थे कि आप अच्छी वो नंबर लेके आओ 12th क्लास में, आगे फिर मैं आपको अपने खुद के पैसों से पढ़ाऊँगा, और आपको जो भी आपका जो भी सपना है मैं पूरा करूँगा, आपको बस आपको पढ़ना है। अजीत नांदल के इन्हों वड़मुले जतना के नाल इन्हों बच्चों के परिवारक मैंबर भी खुश ने। वो अपनी धियां दे सुपने पूरे हुंदे वेख अजीत नांदल दा धन्नवाद करदे आ नहीं थकदे। सारा काम ही खर्चा पानी ये उठा रहे हैं, इनका खर्चा होगा, कपड़े हैं, बरका है, जैसे मेरी बिटिया का तो दूध भी बोला भाई बेटा कमजोर है, दूध भी जो भी खाना पीना तो मैं करूँगा सब कुछ। ये तो ये है, बड़ी आदमी है जिसलिए कर रहे हैं। अजीत नांदल अज जो कुछ भी कर रहे ने वो यकीनन काबिले तारीफ है। अज भी छोटी सोच वाले कुछ लोग ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੀਤ ਨਾਂਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.